वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। मैं मुनीलाल सर आज क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक डैफोडिल का चैप्टर नंबर 2 काली एंड द रेड स्नेक। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें देख लें। तत्पश्चात ये जो तीसरा वीडियो है आज का, इसे देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। पिछले 2 वीडियोज में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था किक डाउट का, ठीक है। ये किक डाउट, ये कौन कह रहा है? किक आउट का मतलब हुआ बाहर निकाल देना। ये एक्चुअली काली सोच रहा था कि क्लास में मैं कुछ मिसबिहेव करूंगा तो टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है जानेंगे आज के वीडियो। चलिए आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जस्ट देन, जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम। जस्ट देन मीन्स होता है तभी, तभी जो है कुछ घटना घटी, हैपेंड यानी कुछ घटना घट गई इन द रूम यानी क्लासरूम। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रेन, टंबल्ड ओवर ईच अदर, फेल रेन सम मोर। यानी अचानक क्लास में क्या हुआ कि यहां से देखते हैं, आर्म्स एंड लेग्स फ्लो मतलब हाथ और पैर उड़ने लगे, अर्थात बच्चे लोग कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई पैर हिला रहे हैं। बॉडीज रेन, बॉडी मतलब कैसे शरीर होता है, यानी कुछ लड़के कुछ बच्चे क्लासरूम से भागने भी लगे। और इस क्रम में क्या हुआ, भागने के क्रम में टंबल्ड ओवर ईच अदर और एक दूसरे पर लड़खड़ा कर गिरने लगे। फेल गिरना, गिरने लगे। रेन सम मोर, कुछ बच्चे और दौड़ कर भागने लगे। तो यह सब देख करके कहता है एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड। काली को यह कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। देयर वेयर शाउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, कहता है हर दिशाओं से चीखने की ही आवाज आ रही थी। हेल्प हेल्प, टीचर हेल्प, यही आवाज आ रही थी कि टीचर यानी गुरुजी मदद कीजिए, बचाइए। बट द टीचर वॉज अंडर ही टेबल, लेकिन गुरुजी भी टेबल के नीचे थे। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, आंखें और हाथ इशारा कर रहे थे सीलिंग की तरफ यानी छत की तरफ। नाउ काली अंडरस्टूड, अब काली समझ गया, यानी सब लोग किधर इशारा कर रहे थे, छत की तरफ। तो काली अब समझ गया कि कुछ तो बात है। देयर ऑन द रूफ वॉज अ लार्जर रेड स्नेक, क्या देखता है काली के छत पर जो है ऊपर एक बड़ा सा रैट स्नेक। रैट स्नेक यानी चूहों को खाने वाला, जैसे घामन वगैरह हम लोग उस सांप को बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो उसी तरह का सांप था। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। अब काली अंदाजा लगाया काली ने कि अवश्य ही इसको चूहे की गंध मिली होगी सीलिंग पर, छत पर, ये जो टाइल्स है खपरेल है, ठीक है, वहां चूहे की गंध से मिली होगी। एंड कम आफ्टर देम, और उन्हीं चूहों के पीछे ये सांप, यह सांप जो है रैट स्नेक आ गया। बाय मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इन टू द क्लास इंस्टीड, कहता है बाय मिस्टेक यानी हो सकता है सांप ने गलती से क्या किया हो, टेकन द रॉन्ग टर्न, गलत दिशा में यह सांप
मुड़ गया एंड कम इन टू द क्लास मिनिस्ट्री, और कहीं और जाने के बदले यह क्लास में घुस आया। काली'स फादर सेड दैट समटाइम्स स्नेक्स स्मेल्ड ह्यूमंस एंड मिस्टूक देम फॉर रैट्स। अब काली के फादर ने कहा था कि कभी कभी सांपों को ह्यूमंस यानी इंसान की तरह जो है क्या करते हैं, इंसान का गंध को यानी मानव के शरीर से निकलने वाली जो गंध है, खुशबू है या दुर्गंध है, जो कहिए स्मेल है, उसको गलती से चूहों का गंध समझ लेता है। अर्थात इंसान के शरीर से निकलने वाले गंध को वह समझ लेता है कि यह गंध चूहों का है, ठीक है, यह सोच करके ही कहता है यह सांप क्लास में आ गया होगा। मे बी दिस वन थॉट, कहता है मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स। और कहता है कोई यह भी सोच सकता है, वंडरफुल हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स, सांप ने शायद यह सोच लिया होगा कि यह कमरा चूहों से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वह चूहे की गंध किसे मान रहा है, इंसान के शरीर से निकलने वाली गंध को। तो कहता है सांप को लगा होगा कि यह कमरा चूहों से भरा है। द रैट स्नेक वॉज रैप्ड अराउंड ए पाल्मीरा बीम ऑन द रूफ। अब जो रैट स्नेक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये रैप्ड लिपटा हुआ था एक पाल्मीरा बीम से। पाल्मीरा बीम मतलब ये पामीरा, सॉरी पाल्मीरा इसको नहीं पढ़ेंगे, पाम होता है तार जाति का पौधा, ठीक है ना, पामीरा बीम के सहारे जो है लिपटा हुआ था यह स्नेक। आप इसको देख सकोगे, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, यही पामीरा बीम है, इसी में देखो ये रैट स्नेक है, ये लिपटा हुआ है, ठीक है। तो ये पामीरा बीम से लिपटा हुआ था। उसके बाद देखो क्या होता है, इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली, यानी सांप ने अपनी गर्दन को बढ़ाया, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक, यानी वह कुछ महसूस कर रहा था, कुछ उसको एहसास हो रहा था कि इस कमरे में कुछ है, यानी रैट जैसी कोई चीज है। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, और कहता हर तरफ जो एक्साइटमेंट है यानी शोर शराबा, या एक्साइटमेंट मीन्स ऐसे तो उत्तेजना होता है, काफी जो हड़बड़ाहट है, अफरा तफरी का माहौल है क्लास में, तो सांप लगता है इस एक्साइटमेंट से सरप्राइज्ड हो, चकित हो गया हो। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, कहता है एकदम धीरे धीरे इस सांप ने बीम से अपने आप को अनकॉइल्ड किया, यानी बीम से अपने आप को छुड़ाया। काली लुकिंग अप, काली ने ऊपर देखते हुए न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और काली ऊपर देख रहा था और जान रहा था वह कि अब आगे यह क्या करेगा। एंड इट डिड, और उसने ऐसा ही किया, यानी सांप ने क्या किया, देखो धप डाउन फेल द रैट स्नेक, यानी जैसे ही रैट स्नेक नीचे गिरा तो धप की आवाज हुई, द नॉइज एंड कंफ्यूजन ग्रू वर्स। अब तो कहता है चीखने चिल्लाने की जो क्रिया है और तेज हो गई, और वर्स मतलब बदतर हो गई, यानी लड़कों में और ज्यादा डर व्याप्त हो गया। चेयर्स क्रैश, कुर्सियां क्रैश होने लगी, गिरने लगी, हेड्स बैंड, लोगों के सर टकराने लगे फर्नीचर से, यानी जो छिपे हुए थे बेंच या डेस्क के नीचे। बॉडी हिट द वॉल, किसी का शरीर जो है दीवार से टकराने लगा, द फ्लोर या फर्श से, या वन अनदर एक दूसरे से।
teacher was now on, not under his table, yelling, save me, save me. अब टीचर जो है टेबल के अंदर जो छिपे थे वे बाहर आकर के चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ. The rat snake was terrified. कहता है वह रैट स्नेक भयभीत हो गया डर गया खुद. It went to one side of the room, then the other. अब वह कमरे के जो है अंदर कभी इधर जाता कभी उधर. The children ran in the opposite direction. अब सांप जिधर जाता उसकी उल्टी दिशा में बच्चे दौड़ने लगते. For a few seconds, Kali was too surprised to do anything. कहता है कुछ सेकेंड्स तक काली भी इतना आश्चर्यचकित था कि वह कुछ कर नहीं सकता था. His people, the Irulas, always went towards snakes, not anyway, sorry, not away from them. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उनके जो कबीले हैं इरुला, तो इरुला कबीला के लोग हमेशा सांप के सामने आते हैं, ना कि सांप से दूर भागते हैं. Had everyone gone mad? क्या सबके सब पागल हो चुके हैं? He walked slowly to where the snake was. वह धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा जिधर सांप था, यानी सांप की तरफ अब काली बढ़ने लगा. He reached out his hand. उसने अपने हाथ को फैलाया. Suddenly the room grew still. अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया जब उसने सांप की तरफ यानी काली ने जब सांप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया. No sound, no movement. अब कहता है कोई आवाज नहीं कोई हलचल नहीं. All eyes were on काली. सबकी नजरें काली पर थी. The rat snake, it was over 2 meters long, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. अब जो रेड स्नेक है डियर स्टूडेंट्स कैसा था? कहता है लगभग 2 मीटर, ओवर 2 मीटर, बल्कि 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था. ठीक है. और रियर्ड बैक लाइक ए हॉर्स, और इसका जो बैक था इसकी जो पीठ थी, ठीक है, तो पीठ की जो त्वचा थी वह कहता ऐसा लग रहा था मानो घोड़े की पीठ. Opened its mouth, सांप ने अपना मुंह खोला वाइड पूरा. Hissed and struck, फुफकार लगाई और struck, चोट मारा. Luckily it missed काली's hand, लेकिन सौभाग्य से यह काली के हाथ को लगा नहीं, यानी काली के हाथ में चोट या जो सांप प्रहार कर रहा था काली के हाथ को मिस कर गया, काली के हाथ में नहीं लगा. The bite of a big rat snake is very painful. कहता है बड़ा रैट स्नेक जब काट ले तो वह बड़ा भयानक होता है, बड़ा ही दर्दनाक होता है, कष्टदायक होता है, पेनफुल होता है. This was the thought that went through Kali's mind as he grabbed the snake behind the head. कहता है यही thought था क्या, that went through Kali's mind, यही विचार यही सोच जो है काली के दिमाग में चल रहा था जब उसने क्या किया, सांप को पकड़ लिया. बिहाइंड द हेड, कैसे पकड़ा, उसके हेड के पीछे से, यानी सांप का जो हेड होता है फन होता है तो फन के पीछे से उसने पकड़ा. हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, और दूसरे हाथ से सांप का जो लंबा सा मांसदार मस्कुलर मांसल शरीर था उसको पकड़ रखा था. सून काली वॉज ऑल रैप्ड अप इन स्नेक, देखते ही देखते काली को सांप ने पूरी तरह लपेट लिया. ठीक है, काली के बॉडी से लिपट गया सांप. काली थॉट ही वुड फाइंड ए बिग बैग टू पुट द रैट स्नेक इन. अब काली सोच रहा था कि एक बड़ा सा बैग मिल जाए, झोला मिल जाए जिसमें वह सांप को अंदर भर सके. ही वुड टेक इट होम टू फादर,
वह पकड़ करके इसे पापा के पास ले जाएगा। द बंडालूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रैट स्नेक्स। और काली सोच रहा है कि चेन्नई के पास जो बंडालूर जू है, चिड़ियाघर है, ठीक है, वहाँ अच्छी कीमत मिल जाएगी इस रैट स्नेक की। He would buy his body, sorry, baby sister, a new dress। अब देखो काली क्या क्या कल्पना कर रहा है कि उस पैसे से काली क्या करेगा, अपनी बेबी सिस्टर, अपनी छोटी बहन के लिए नया सा ड्रेस खरीदेगा। बट वॉट वॉज दिस नॉइज, लेकिन यह शोर कैसा, वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था, वॉज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या कमरे के अंदर दूसरा सांप निकल आया। कंफ्यूज्ड काली लुक्ड अप। अब काली जो है भौचक्का सा रहकर ऊपर देखने लगा कि आखिर फिर क्यों हल्ला हो रहा है। Everyone was clapping and cheering। सभी तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। Cheering मतलब स्वागत कर रहे थे, कहिए प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। And then they were chanting। और उसके बाद वे लोग चिल्लाने लगे, काली, ठीक है, नैंडरी, काली, नैंडरी। नैंडरी जो है डियर स्टूडेंट, कोई तमिल भाषा का शब्द होगा। थैंक यू, इस तरह से कह रहा था काली तुम्हें धन्यवाद। इट वॉज सो वंडरफुल, कहता है यह बड़ा ही, यह घटना वंडरफुल था, अनोखी घटना थी यह। काली आईज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस, अब काली की आंखों में आंसू आ गए खुशी से, ठीक है, खुशी के मारे काली की आंखों में आंसू आ गए, हैप्पीनेस के कारण उसकी आंखें गीली हो गईं। He grinned and the clapping grew louder। काली मुस्कुराया और फिर कहता है तालियों की आवाज और तेज हो गई। You saved us, तूने हमें बचा लिया, shouted one of the boys, लड़कों में से कोई चिल्लाया। How brave you are, तो कितना बहादुर है। From now on, you sit next to me, ठीक है, अब बच्चे सब कह रहे हैं कि आज के बाद तुम जो है ना मेरे बगल में बैठोगे, no me, फिर दूसरा कहता नहीं तुम मेरे बगल में बैठेगा। And the children started quarreling about whom Kali would sit next। अब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे कि काली किसकी सीट के बगल में बैठेगा, काली किसके बगल में बैठेगा, इस बात को लेकर। यानी अब कहने का मतलब है कि काली के अब दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, क्लास के सभी बच्चे अब चाहते थे कि काली उसके बगल में बैठे। Who taught you to be so brave, asked रमेश क्लास बुली। अब क्लास का जो दबंग लड़का था रमेश, ठीक है, उसने पूछा काली को कि तुम्हें इतना वीर, इतना साहसी किसने बनाया, यानी कि किसने सिखा दिया तुमको इतना साहसी बनने के लिए। कम ऑन नेम इट, कहा चलो नाम बताओ। विल गिव यू व्हाट एवर यू वांट, कहा हम लोग तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए। वेल व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली। तो काली ने कहा ठीक है अभी तो मुझे क्या चाहिए, इज ए बैग, अभी जो मुझे चाहिए वह है एक बैग, अ बिग वन, बड़ा सा बैग, तो पुट दिस थैलो इनटू, ताकि मैं इस जीभ को उसके अंदर भर सकूं। टेन चिल्ड्रन रेन ऑफ इन टेन डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग, दस बच्चे दस दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चले गए बैग की तलाश कर। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमिरेशन, और बाकी बच्चे काली को देख रहे थे बड़ी प्रशंसा पूर्ण नजरों से, ठीक है, बड़ी उसकी सराहना करते थे। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई काली saw the teacher climb down from his desk, और कहता है
तिरछी आंखों से काली ने क्या देखा, जो उनके टीचर महोदय थे, गुरु जी थे, वे अपने डेस्क से नीचे उतर गए। द टीचर वॉक्ड अप टू काली, टीचर भी काली की तरफ बढ़ने लगे, बट ही वॉज केयरफुल, लेकिन वे सावधान थे। नॉट टू गेट टू क्लोज सिल्ली चिल्ड्रन ही स्कोल्डेड, ठीक है, टीचर ने डांटते हुए कहा, बेवकूफ बच्चे इतने निकट मत आ, व्हाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो, रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक, कहा अरे इसीलिए दौड़ रहा था इधर से उधर इस नॉन पॉइजनस स्नेक के चलते। अब देखो टीचर सोच रहा है कि यह कोई नॉन पॉइजनस स्नेक है, यानी विषहीन सर्प है। द टीचर वॉक्ड बैक टू हिज डेस्क, टीचर वापस अपने डेस्क पर चले गए। एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, काली एंड द चिल्ड्रन ग्रिन्ड एट वन अनदर, अब कहता है जैसे ही टीचर ने क्या किया, अपना डायरेक्शन बदला, यानी काली जो है और बाकी बच्चे मुस्कुराने लगे एक दूसरे को देखकर। सीक्रेट ग्रिंच, कहता यह ग्रिंच या जो मुस्कुराहट है सीक्रेट थी। सीक्रेट क्यों, ये अभी अभी आपने देखा था कि टीचर की क्या हालत थी, टीचर खुद टेबल के नीचे छिपे हुए थे और जब काली ने पकड़ लिया तो बच्चे को उल्टे कह रहे कि क्यों भाग रहा था, ये तो नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो इसी बात पे हंसी आ रही थी बच्चों को, खुद अपना तो ठिकाना नहीं सर का, अभी पकड़ लिया तो कहता है नॉन पॉइजनस है। द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, यानी एक सीक्रेट ग्रीन, ये जो रहस्यमय मुस्कान था, द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, कहता है ऐसी मुस्कुराहट का राज जो दोस्त सब फ्रेंड्स जो है आपस में यूज करते, अर्थात एक दूसरे को पता होता है फ्रेंड सर्किल। हंसी का राज क्या था सभी बच्चे जान रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा काली एंड द रेड स्नेक का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी बच्चे देखते रहे योर अकेडमी मुनीलाल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।